हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको रोटी के टेस्टी पकोड़े बनाना सिखा रही हूँ। उसमें किस किस चीज की जरूरत है वो मैं आज आपको बताऊंगी। ये दो आलू उबले हुए और आलू जो है ठंडे होने चाहिए, एकदम गरम गरम आलू नहीं होने चाहिए, तो पानी छोड़ देंगे। तो अब ये देखिए, ये दो आलू मैंने अच्छी तरह मैश कर लिए। इसमें क्या क्या मसाले पड़ेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। चौथाई चम्मच लाल मिर्च, चौथाई चम्मच धनिया, चौथाई चम्मच चाट मसाला, चौथाई चम्मच खटाई और थोड़ी सी हरी मिर्च। टेस्ट के हिसाब से खाओ, डालना चाहो तो डालो, नहीं तो कोई बात नहीं। चौथाई चम्मच ही नमक पड़ेगा। अब इनको आपस में मैश करो। इसे आपस में मैश कर लीजिए। इसमें गांठ वगैरह नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा धनिया डाल लीजिए। ये हमारा एकदम आलू तैयार हो गया। देखिए ये है हमारे पास गोभी। अब मैं इसके आपको पकोड़े बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ी सी सॉस डालिए, इसे चम्मच से फैला दीजिए। अब इसके ऊपर जो आलू हमने तैयार किया था वो बिल्कुल ऐसे फैला दीजिए। अब दूसरी रोटी, एक रोटी हमने इस तरह से तैयार कर ली, सॉस लगा के आलू लगा दिया। अब दूसरी रोटी हम इसके ऊपर रख देंगे। इसे कटर या चाकू की सहायता से इसे काट लीजिए। ये देखिए, ये हमारे सारे कट चुके हैं। मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब मैं पकोड़े बनाने के लिए बेसन का घोल तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने 3 चम्मच बेसन लिया है। अब इसमें क्या क्या डालना है, नमक 1/2 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी, किसी मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, हाथ से थोड़ी सी क्रश कर। अब इसे आपस में मिला तो पानी डाल के इसका घोल, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। देखिए इस तरह से हमारा बेसन तैयार हो गया। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब इसमें जैसे हम पकोड़े तलते हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से पकोड़े को मैं कढ़ाई में डाल दी। तेल मेरा गरम हो गया है। देखिए अब हमारे पकोड़े सिक रहे हैं। इसको दूसरी तरफ से पलट लेंगे। ये देखिए हल्के ब्राउन हो तो इन्हें उतार। ये बहुत टेस्टी है, एकदम कुरकुरे। ये चटनी और सॉस के साथ खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया है। मैं अब आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।